भोजपुरी सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ अब अर्थ इन्वेस्टमेंट कंपनी जादूज के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश सहित मध्य भारत में 250 मिनी थिएटर बनाएंगे और इसको लेकर इन्होंने पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है। निरहुआ के मुताबिक हर तहसील में एक सिनेमा की परिकल्पना के साथ उत्तरी जादूज का सपना उत्तर प्रदेश और मध्य भारत में सिनेमा के परिदृश्य को अगली पीढ़ी के मिनी थिएटरों के निर्माण से बदलने का है। चूंकि ये जो थिएटर है वो अब समाप्ति की तरफ है तो मिनी थिएटर बेहतर हो सकते हैं। पहले के जमाने की अगर हम बात करें तो बहुत सारे थिएटर हुआ करते थे जिसमें लोग मनोरंजन के लिए जाया करते थे और वहां पर जाकर मनोरंजक चीजें देखते थे। अब ये सिलसिला थम सा गया है तो एक बार फिर से इस परिदृश्य को अगली पीढ़ी को दिखाने के लिए मिनी थिएटरों के निर्माण से बदलने का जो कार्य है, जो बीरा है, वो उठा रहे हैं निरहुआ। मिनी सिनेमा का उद्देश्य मात्र मनोरंजन नहीं है बल्कि इसे शिक्षा के साथ भी जोड़ा जाएगा। थिएटर के माध्यम से युवाओं को IIT और IIM से संबंधित शिक्षा भी दी जाएगी। जादूज के प्रबंध निदेशक राहुल नेहरा ने कहा है कि हमें निरहुआ जी के साथ जुड़ने पर बहुत गर्व है। उनका उद्देश्य मध्य भारत में मनोरंजन और शिक्षा को आकार देना है। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव सुप्रण सेन का कहना है कि इस तरह की पहल से सिनेमा और मनोरंजन के साथ ही रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। निरहुआ ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में मनोरंजन और शिक्षा के परिवर्तन के लिए समर्पित है और ये संगठन इसमें उनकी मदद करेगा। भोजपुरी एक्टर निरहुआ अब शुरू करने जा रहे हैं ये बिजनेस जिसका हुआ है खुलासा और इस बिजनेस में वो कितना महारत हासिल कर पाएंगे आने वाले वक्त में पता चलेगा। वैसे कहते हैं ना कि सिनेमा जो होते हैं वो समाज का आईना होते हैं, तो फिल्मों के माध्यम से समाज में घट रही कुरीतियों को अगर बताया जाए तो लोग उन चीज़ों को बंद कर सकते हैं और जागरूक अगर उन्हें किया जाए तो उन चीज़ों से बचते हुए खुद को आगे निकाल सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, शिक्षा की बात हो या फिर बिजनेस की बात। अगर हम लोगों को नाटक के जरिए थिएटर के माध्यम से समझाने की कोशिश करें तो मनोरंजन के साथ साथ लोग उसका ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं और उसे अपने जीवन में समाहित भी कर सकते हैं। तो निरहुआ की ये पहल बहुत अच्छी पहल है। ढेर सारी शुभकामनाएं नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया के तरफ से कि दिनेश लाल यादव निरहुआ आगे बढ़ें और समाज में इस तरीके के जो बेहतर कार्य हैं वो करते रहें। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया के लिए शशि प्रिया सिंह की रिपोर्ट।